हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में अमीर करदार साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नजीब। यार भाई, पाकिस्तान ने ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ का जिम्मेदार भारत को बोल डाला। पाकिस्तान ने क्या बोल रहे हो यार, इनका दिमाग ठीक है? पता नहीं क्या हुआ है, तो क्या नहीं ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। लगता है ये सस्ता गंजा फूक के बैठे हुए सारे पाकिस्तानी, वॉच करते देखते तो कॉर्डन करते स्टार्ट। बहुत अफसोस के साथ ये इत्तला आपको देनी पड़ रही है कि ईरानी सदर आयतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी शहादत पा चुके हैं, वो दुनिया में नहीं रहे हैं। इसराइल के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसराइल में तो खुशियां मनाई जा रही हैं इसके ऊपर, और नेतन्याहू जो है वो तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश होंगे कि उनका एक बहुत बड़ा जो दुश्मन है वो दुनिया से चला गया। जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले इसराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा। उसने बोला ओ भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है? ईरान को ये टिप मिली है, ये उनको पता चला है ईरानियों को कि इंडिया इसके पीछे हो सकता है, पीछे हो सकता है। और इसराइल के बिहाफ पे इंडिया ने ये काम करवाया। अच्छा, आपने देखा होगा इसराइल को जो करना होता है इसराइल कर देता है, इसराइल डायलॉग नहीं मारता। नरेंद्र मोदी जो है उनका किस तरह से एक एक रابطہ रहता है, नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैन हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, ये आपको पता है इस बात का? दुनिया भर के ईरानियन जो है वो खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहो। के मरने की खबर आने से पहले बहुत सारे ईरान के लोग जो यहाँ पे यूरोप में मेरे आसपास रहते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, जिन्होंने मेरे को बताया कल रात को, वो काफी ज्यादा खुश थे और वो ये भी बोल रहे थे कि भाई इसके मरने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। भाई इसके बड़े अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। इसके बाद से ईरान में काफ़ी ज़्यादा शोक का माहौल है और सभी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं उनके लीडर की मौत की। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी कुछ जर्नलिस्ट दुख बना रहे हैं क्योंकि वे ईरान को अपना इस्लामिक उम्मा का एक पार्ट समझते थे। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल दोनों खुशी बना रहे हैं और वे कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इब्राहिम रईसी मारा गया, क्योंकि इब्राहिम रईसी एक टेररिस्ट था और इसी ने ही टेररिज्म फैलाया है पूरे मिडिल ईस्ट में। और यहाँ तक कि अमेरिका के एक सेनेटर ने बयान देते हुए कहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत ईरान के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि वे अपना टेररिज्म से अपने आप को दूर करें। और ये आशंका भी लगाया जा रहा है कि इसराइल ने ही ईरान के प्रेसिडेंट रईसी को मारा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ईरानी सदर आयतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी शहादत पा चुके हैं, वो दुनिया में नहीं रहे हैं। हेलीकॉप्टर का जो हादसा पेश आया कल, उसमें उनके साथियों समेत वो जाँ बहक हुए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में। मस्जिद के इमाम जो कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ाया करते थे वो भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ बाकी ऑफिशल जो है वो मौजूद थे। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस के अहलकारों ने और स्पेशल फोर्सेस के अहलकारों ने भारतीय एम्बेसी जो तेहरान में वाक़ है वहाँ पर रेड किया है। अब इसका ताल्लुक सैयद इब्राहिम रईसी की शहादत से कैसे? खबर ये आ रही है कि ईरान को ये टिप मिली है, ये उनको पता चला है ईरानियों को कि इंडिया इसके पीछे हो सकता है, और इसराइल के बिहाफ पे इंडिया ने ये काम करवाया है। अब देखिए, इसराइल और इंडिया की जो आपस की दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, आपको पता ही है। और इसराइल को बाकायदा तौर पे वेपन्स की सप्लाई भी इंडिया करता रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि स्पेन में एक जहाज रुका गया है, स्पेन ने रोका है, बल्कि वो भारत से निकला था और स्पेन की डॉक पे उसने लंगर अंदाज होना था और वहाँ से उसने इसराइल जाना था। बेसिकली वो बड़े पैमाने पर हथियार लेकर जा रहा था। अब ये खबर जो है वो आई है, इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। तो इंडिया का वैसे भी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है उनका किस तरह से एक एक रابطہ रहता है। नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैन हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, ये भी आपको पता है इस बात का? दोस्तों, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर अब्दुल्ला आयान, ये कौन थे? ही वाज अ हार्ड लाइनर। ये वो बंदा था जो कह रहा था कि मारो इसराइल के ऊपर बम। ये वो बंदा था जो ईरान की जिसको उग्र लेवल पर बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं, ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। तो था भाई, ये उस लेवल की बातें इसलिए करता था क्योंकि ईरान की जो टॉप गवर्नमेंट की पोजीशन में लोग हैं वो सारे के सारे ऐसी बात करते हैं। ही शुड हैव बीन मोर
मोर कंटेंड इन स्पीच। ठीक है, बहरहाल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज की तारीख में ऐसा सुनने में आया है कि ईरानियन जो दुनिया भर में फैले, जो ईरान के अंदर है, वो तो डर के मारे चुप हैं, वो डर के मारे चुप हैं, लेकिन दुनिया भर के ईरानियन जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी हुई, एक ऐसा रिएक्शन आया जिससे कि मैं अचानक सरप्राइज हो गया। मैंने बोला ये है क्या, ये क्या? जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले इजराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा, ओ भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है। वही तो, तुमसे किसी ने इजराइल को ये थोड़ा बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का आया कि भाई देखो हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो भाई, इल्जाम हम पे कोई ठहरा है तो ये। अब तीन फैक्टर इन प्ले हैं यहां पे, मैं साफ सीधी आपको बात बता दूं, थ्री फैक्टर्स इन प्ले। वो फैक्टर क्या है? पहली चीज, किसको फायदा है या किसको फायदा हुआ कि ये मर गया। मैं आपको बताता हूं, वहां पे वैसे चुनाव नहीं होते जैसे भारत में हो रहे हैं आजकल, या भारत में होते चले हैं जैसे अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं, वैसे चुनाव नहीं होते। कुछ कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं, कुछ कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं। और ये 1979 के बाद जब से ये कठमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मारते हैं यार। वाह क्या, क्योंकि ईरान में बहुत सख्ती है भाई, मस्ती की ना इसने, दे दिया ना अगलों ने, चलो खुद ही क्रैश हो गया, हो गया ना, गया ना, अब सारे रो रहे हैं भाई। पाकिस्तान में मैं हैरान हो गया हूँ कि भाई हमारा भाई मीडिया बोल रहा है कि भारत ने कराया है, अच्छा कह रहा है कि ईरान की एजेंसीज ने रेड मारी है इंडियन एम्बेसी में ईरान पे, कि आई थिंक वहां पे इंडियंस प्लानिंग कर रहे थे। ये पागल तो नहीं हो तुम लोग, तुम लोग गांजा फू के तो नहीं आए हुए कि भाई वहां पे तुम लोग इंडिया की एम्बेसी में रेड मारोगे, वो भी ईरान वाले, इनका दिमाग खराब है, इंडिया डंडा ना दे दे वो यार, इंडिया भाई साहब उनकी धज्जी उड़ा दे अगर इंडिया के साथ ऐसा काम हो वहां पर तो। और तुम्हें क्या लगता है कि ईरान में बैठ के इंडिया प्लानिंग कर रहा होगा कि कैसे उसको मारना है? नहीं दिमाग खराब है इनका, दिमाग इतना खराब हो गया जगह पे नहीं है। वही ना, इंडिया ना ईरान के साथ वो भाई सबको पता है कैसे थे, हम पाकिस्तानी भी जलते थे, और आज तुम लोग वही काम कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो तुम इंडिया पे कि इंडिया ने कराया है। तो यकीन शर्म से डूब मरो ये यार। वो मुल्क है ना, ये मुल्क जब को कोविड आया था ना, कोविड तो तेल की पाबंदियां लग गई थी, इसने बोला था कि मेरे ईरान सारे दरवाजे खोले, आओ लो इंडिया को जितना मर्जी ले सकते हो। हाँ इंडिया को बोला था, दवा क्या मैं इंडिया को बोला था, कोई शायद वही तो रिलेशन है ना। और ये पाकिस्तानी ये बातें करते हैं कि ये काम इंडिया ने किया, इनके दिमाग ठीक नहीं, इनके दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन वही बात है कि कहते हैं इसराइल के कहने पे भाई साहब इंडिया ने मार, ओ भाई इंडिया के किसी कहने पे उनके यहाँ भी फॉरेन पॉलिसी वजह, किसी के कहने पे इंडिया आता ही वही ना। क्या तुम्हें इंडिया लगता है एक प्लेट पंप पाकिस्तानियों की तरह बिकने वाला देश है? हम तो एक प्लेट बिरयानी पे जाके अगले को मार आते हैं। इंडिया की पावर तुम लोगों को पता है कैसी है? इंडिया आज $700 बिलियन रुपए अकाउंटों में रख के बैठा और उसने इसराइल के कहने पे मारा है। वाह यार पाकिस्तानियों, वाह, तुम्हारे लिए क्लैपिंग है कि भाई साहब तुम लोगों ने सोचा कि इंडिया एक प्लेट बिरयानी पे बिके करने वाला है हमारी तरह। हम तो पाकिस्तानी औकातलेस है, प्लेट बिरयानी तुम अगले के सामने रखो और बोलो उसको मार के, ये मार गया तो प्लेट बिरयानी की बोरा 10 रुपए पे मार दी बंदे को भाई साहब। तो ये तुम लोग बातें जरा सोच समझ के करो, इंडिया का नाम ले रहे हो, ये ना इंडिया हमें कहीं का ना छोड़े, ये चीजें गलत है यार। आपके क्या थॉट है?